जहां पर कल शिक्षक दिवस के मौके पर कटिहार से शिक्षकों की अनोखी तस्वीर सामने आई। जिले के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां के मनिहारी अनुमंडल की मारालैंड बस्ती में 3 युवक नाव में स्कूल चला रहे कुंदन, पंकज और रविंद्र बच्चों को नाव में ही शिक्षा दे रहे। बाढ़ की वजह से सरकारी स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई थी। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए तीनों शिक्षकों ने नाव में ही छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तीनों शिक्षक कहते हैं कि वो लोग स्थानीय हैं और इस इलाके के बच्चों को पिछले कई वर्षों से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। बाढ़ में सरकार अन्य सुविधा मुहैया करवाई रही है तो वो लोग अपने स्तर पर जो पाठशाला चलाते थे वो नाव में चलाकर शिक्षा की लौ जलाकर रखना चाहते हैं। देखिए, यहाँ का जो परिक्षेत्र है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है और हम लोग जो है अपने संसाधन के हिसाब से जुगाड़ ढूंढते हैं, इसलिए हमने जो है नाव पर पाठशाला बनाया है। क्योंकि हम लोगों का जो है साल के आधा महीने यानी कि 6 मास हम लोगों के यहाँ पे पानी रहता है और 6 मास सूखा रहता है। ऐसे में हम लोगों का सिर्फ नाव से पुराना नाता है, इसलिए हमने जो है नाव पर ही शिक्षा का प्रारंभ किया है। में है तो हम लोग का सिलेबस लॉकडाउन की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इसी कारण यहाँ से जो मतलब निकला हुआ जो पढ़ लिख कर हमारे बुजुर्ग मतलब जो बड़े भाई लोग हैं वही सब बोले कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसी कारण तुम लोग को हम चलो नाव पर ही पढ़ा देते हैं। अभी यहाँ बाढ़ की स्थिति काफ़ी मतलब बनी हुई है, इसी कारण हम लोग नाव पर भी सिलेबस के कम्प्लीट डर नहीं लगता। हम यहाँ का जो क्षेत्र है मनिहारी जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं कि चारों ओर से डूबा हुआ है और यहाँ पे नाव जो है हर घर घर में, तो इसलिए जो है हम लोगों ने ये सोचा कि मतलब अभी सीट व्यवस्था ना होने के कारण जो है कि नाव में ये जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है शुरू किया जाए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नाव को पाठशाला बनाकर शिक्षा दी जा रही है। कल शिक्षक दिवस था, ऐसे ही नहीं शिक्षकों को नमन किया जाता है। ये तस्वीर अपने आप में एक नजीर है, एक मिसाल है, जहां एक तरफ देश पहले कोरोना से ग्रसित रहा, स्कूल कॉलेजेस बंद रहे, ऐसे में जिस तरीके से बिहार में यूपी में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, बिहार में जिस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया गया है जहां पर 3 स्थानीय लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि बच्चों का चूंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उस सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाए तो नाव को ही पाठशाला में तब्दील कर दिया गया। हालांकि ये बहुत ज्यादा रिस्की भी है क्योंकि जिस तरीके से पानी भरा हुआ है उसके ऊपर नाव है और उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ने का भी खतरा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अपने आप में एक नाजीर है, एक मिसाल पेश करता है और कहीं ना कहीं ऐसे इनिशिएटिव हर व्यक्ति को लेने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। टीचरों ने बच्चों को नाव पर पढ़ाना शुरू कर दिया। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 3 ऐसे शिक्षक थे जो स्थानीय लोग हैं और उन्होंने बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराया, उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं। वो जिस तरीके से बाढ़ है, स्कूल कॉलेजेस बंद चल रहे हैं, पढ़ाई प्रभावित हो रही थी बच्चों की, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ दिलफराज कटिहार से जुड़ चुके हैं। दिलफराज, सबसे पहले तो ये पूरा क्या माजरा है, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए मैम, जो कटिहार में जो बाढ़ जो आफत मचाई हुई है, मनिहारी में जो नाव पर पढ़ाई जो 3 शिक्षक थे जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो ये देखने वाली बात है कि जो बाढ़ का कहर इस तरह है कि लोग घरों में जगह नहीं रहने कर नाव में लोगों को शिक्षा देना पड़ रहा है। और इस वक्त हम जहाँ मौजूद है यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लोग जाल कई करते हैं, बुनने का काम कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानेंगे क्या आखिर क्या क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ। हम लोग क्या बताइए, बाढ़ का क्या स्थिति है? बाढ़ की स्थिति गंभीर है। क्या पानी पानी बढ़ चुका है? क्या सरकारी तौर से कुछ लाभ भी दे रहा है? यहाँ का लोग कहना है कि सरकारी तरफ से जो राशन मिलना चाहिए तो मिल ही रहा है, मगर बिल्कुल दिलफराज जी कहीं ना कहीं ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि लोगों की मदद नहीं हो पा रही और ये काफी शर्मनाक है कि लोगों की मदद करनी चाहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मनिहारी में कई इलाके बाढ़ से ग्रस्त हैं और एक तरफ जहां ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिलफराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बाढ़ की वजह से गाँव में सूखी जमीन नहीं बची,
टीचरों ने बच्चों को नाव पर पढ़ाना शुरू किया। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं कि